गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट। आपका टर्न आज है हिंदी लैंग्वेज का। 3 डेज में आपको हिंदी लिटरेचर पढ़ाती हूँ, 3 डेज आपको हिंदी लैंग्वेज पढ़ाती हूँ। तो आज आपका टर्न है हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। डे है थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे आपका हिंदी का टर्न हो, लैंग्वेज का टर्न होता है। तो अभी तक मैंने आपको जो चैप्टर एक्सप्लेन किए थे उसमें से केवल 2 चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर लिखवाए थे। आज मैं आपको चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, ठीक है। आप लोग इससे देख के अपनी जो फेयर नोटबुक है आपकी हिंदी लैंग्वेज की, उसमें आप चैप्टर का नेम डालेंगे और चैप्टर डालेंगे, उसके बाद में अच्छी राइटिंग में लिखेंगे। आपकी राइटिंग ख़राब नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो आपकी फेयर नोटबुक है, और जब स्कूल खुलेगा तो आपकी नोटबुक चेक की जाएगी, ठीक है। तो अब आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। ओके बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वरों के चिन्ह क्या कहलाते हैं। आंसर है आपका मात्रा, कि जो स्वरों के चिन्ह होते हैं वो मात्रा कहलाते हैं। क्वेश्चन 2, मात्रा किसे कहते हैं। स्वरों के लिए निश्चित चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। ओके, क्वेश्चन 3, मात्रा का प्रयोग कैसे होता है। तो मात्रा का प्रयोग चिन्ह के रूप में होता है, ठीक है। क्वेश्चन है, किस वर्ण का प्रयोग मात्रा के रूप में होता है। तो किस वर्ण का होता है मात्रा के रूप में, तो जो स्वर होता है, ठीक है, वो मात्राएं होती हैं। तो किसकी मात्राएं होती हैं, कौन सा वर्ण होता है, कौन से वर्ण का प्रयोग मात्रा के लिए किया जाता है, स्वर का। स्वर का प्रयोग मात्राओं के लिए किया जाता है। मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया था, मैंने आपको बताया था कि आ ई उ वी ए ऐ ओ औ, ये सब क्या है, हमारे स्वर हैं, और इनका प्रयोग हम मात्राओं के रूप में किया जाता है। ओके बच्चों, अच्छी राइटिंग में आप लिखेंगे, यहाँ तक आप लिखेंगे, और इसके बाद में जब आपका नीचे पेज अगर बचता है तो आप बचने दीजिए, उसमें आप दूसरा चैप्टर नहीं डालेंगे। जब आप 4 चैप्टर डालेंगे तो नए पेज से डालेंगे, ठीक है। अब आता है आपका चैप्टर 4। चैप्टर 4 आपका है शब्द और वाक्य, वर्णों के सार्थक मेल से क्या बनता है। तो वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, ठीक है। शब्दों के अर्थपूर्ण मेल से क्या बनता है, तो शब्दों के अर्थपूर्ण मेल से वाक्य बनते हैं। आपको पता होगा कि जब हम आ ई उ और चा छा जा जा लगा एक साथ जोड़ के लिख देते हैं तो वो शब्द हो जाते हैं, और शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बन जाते हैं, ठीक है। वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए, यहाँ पे दिया है कमल, तो यहाँ कमल बन गया, अचकन हो गया, नहर तो नहर हो गया, और महल तो महल हो गया। ये आप लिखेंगे चैप्टर 4 नए पेज से, ठीक है। चैप्टर 3 में आप लिखेंगे न्यू पेज में, और जब चैप्टर 4 आएगा तो आप नए पेज से लिखेंगे, ठीक है बच्चों।